अक्रॉस द कंट्री रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसीज में जेरेडा में मानना चाहता हूं, मैं समझता हूं कि इज वन ऑफ द मोर एंबिशियस रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये हमारा एक प्रिविलेज है कि हम यहां पर बैठ करके ये बात कर पा रहे हैं और ये काम कर पा रहे हैं। राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर ये पहला कार्यक्रम जो जेरेडा का ऊर्जा विभाग की तरफ से है, हम सभी स्टेक होल्डर को इस बिंदु पर सोचने और प्रमोट करने के लिए इस विजन को अनुरोध करेंगे 94% सब्सिडी के साथ सुविधा उपलब्ध कराए हुए हैं। आज हम ये इस मोटिवेशन इस ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ इस संगोष्ठी से उठेंगे, इसे हम ग्रामीण और शहरी पुरुष और महिला हमारा जितना भी स्टेक होल्डर है सब इसमें अपनी अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करें। अवेयरनेस की जाए महिला किसानों के साथ और साथ साथ में ट्रेनिंग करके उनके पास हम ये पंप पहुंचा पाए जिसके ऊपर करीबन 90% के आसपास या उससे भी ज्यादा सब्सिडी अवेलेबल है। डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, विलेज मीटिंग्स हो रही है, एक्सपोजर विजिट की जा रहे हैं और इससे करीबन 70 इस तरह के प्रोग्राम से करीबन 700 से अधिक एप्लीकेशन महिला किसानों से संथाल परगना के 6-7 जिलों से कनेक्ट किया। तो एक प्रोग्राम जो हम चलाते हैं वो है PSR प्रोग्राम, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ। उसका ये एक बड़ा हिस्सा है ये कार्यक्रम है। ये पार्टनरशिप अल्टीमेटली उसी संदर्भ में है जेरेडा के साथ स्विच ऑन और KPMG के माध्यम से ब्रिटिश सरकार की फाइनेंशियल सहायता से। सिर्फ सोलर पंप है, कोई से भी एसेट का जो एम्पावर करता है वुमेन को समाज में अपनी जगह बनाने के लिए या क्राइसिस से निपटने के लिए, तो किसी भी एसेट की ओनरशिप में विमेन का रोल बढ़ाना ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। इट विल लीड टू मोर एनर्जी इन एग्रीकल्चर दैट विल पर्सन लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड देयर बाय इंक्रीज इन नेट इनकम ऑफ फार्मर फार्मिंग कम्युनिटी। इफ दे आर नॉट अप्लाइंग पंप एंड इफ इट मेक्स सेंस इफ दे कंट्रीब्यूट मनी एंड देन टुगेदर दे अप्लाई पंप, सो इट्स एक्चुअली रीजन specific that you have to take the approach, and it also has to be come from the farmers itself, right? Many times they don't want to come together, right? There are so many things that you need to then sort out that who will get the water first and all. So there are so many things involved in that, and it has to be region specific, local conditions, kind of conditions you have to go that way. I mean there is no one answer to that. हमारे खेत में सोलर पंप लग गया जिससे हमें खेती करने में बहुत ही सहूलियत हो रही है। आज हमें एक सदी का जमीन के सिंचाई करने के लिए आज बिजली आ गया डीजल पंप पर निर्भर नहीं है। आज सूर्य की किरण इतना सहयोग दे रहे हैं कि आज उन्हीं के बदौलत हम खेती भी कर पा रहे हैं हम बहुत आसानी से। आप इसमें टपक सिंचाई भी लगा सकते हैं। आपको लगता है कि हम स्प्रिंकलर फव्वारा सिस्टम लगा दें वो भी आप लगा सकते हैं। आप टपक सिंचाई के साथ मल्च भी लगा सकते हैं। एक तो ये JSMPs का एक बड़ा रोल हो सकता है महिला किसान सशक्तिकरण में, महिला सशक्तिकरण परियोजना के नाम से प्रोग्राम चलता है जिसमें करीब 2 लाख किसान जुड़े हुए डायरेक्टली और वैल्यूएशन पे काम करके अलग अलग मॉडल्स पर करीब 20 मॉडल्स ऐसे होंगे जिसको हम रेप्लिकेट करते हैं जिसमें वाटर की जरूरत पड़ती है। तो एक बहुत बड़ा देश हमारे पास ऑलरेडी है महिला किसान का। एक तो बेंचमार्किंग की पहले सबसे पहले जरूरत है, दूसरा नेविगेशन आवर में हम प्रोडक्टिव यूज कैसे कर सकते हैं, कैसे वाटर पंप प्रोटोकॉल बनाए, और तीसरा लाइवलीहुड सेगमेंट में इसका कैसे यूज कर सके सो कि हम सोर्स वैल्यू एडिशन एंड सोर्स कर पाए। एनर्जी वाटर एग्रीकल्चर एक्सेस के बारे में जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम सोलर पंप आज के दिन प्रमोट कर सकते हैं, तो ये जानना जरूरी है कि 85% से अधिक जो ग्राउंड वाटर यूज हो रहा है आज के दिन इंडिया में एग्रीकल्चर के ऊपर, और नासा का डेटा जो बताता है कि सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर डिप्लीशन आज हमारे ईस्ट इंडिया से ही सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है अगर पूरे भारत में छोड़ें। फ्यूचर प्लान यही रहेगा सेवा नेटवर्क का कि ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग नेटवर्क के सभी पार्टनर्स की हो, सारे स्टेकहोल्डर्स की हो, स्टेकहोल्डर्स को ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया हूं। औरतों के लिए ये योजना है, औरतों के सशक्तिकरण की बात करते हैं, पर जहां पे अगर इस तरह की जो टेक्नोलॉजी जिसमें है इनपुट दिया होगा तो अब
झारखंड में एक बहुत बड़ी योजना चल रही है जिसको बिरसा हरित ग्राम योजना कहते हैं। जैसलपीएस के हमारे साथी यहाँ पर हैं। तो इस योजना के अंदर में 40,000 एकड़ से ज़्यादा हाई डेंसिटी मैंगो ऑर्चर्ड लग चुका है और MGNREGS से इसका पूरा पैसा आता है और इसमें 3.5 साल तक का उस ऑर्चर्ड को सपोर्ट करने का भी रिसोर्सेज जो है मनरेगा से आ रहा है। लेकिन अभी इरीगेशन एक बड़ा चैलेंज है यहाँ पर, और जब इंटीग्रेटेड फार्मिंग का बात कर रहे हैं तो ये हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड और उसके अंदर अगर कुसुम योजना के अंतर्गत अगर इरीगेशन हो तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग लार्ज स्केल पे हो सकता है और बहुत सारे पार्टनर्स, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इसको लेके काम कर रहे हैं। इतना सक्सेसफुल नहीं रहा कि हर एक पंचायत में एक माइक्रो वाटरशेड पे जीआईएस बेस्ड प्लानिंग हो रही है सो दैट बेस्ट स्ट्रक्चर्स जो बायोफिजिकल इंटरवेंशन होगा वो करें विद द ग्राम सभा एंड लोकल विजडम उसको लेते हुए। सो दैट विल ऑल्सो हेल्प अस कि ऐसा नहीं है कि जस्ट सोलर पंप दे दिए एंड ग्राउंड वाटर स्टार्टअप आप भूल गए। वी हैव टू लुक एट फ्रॉम दी डिफरेंट सो दैट ग्राउंड वाटर ऑल्सो रिमेन्स देयर एंड यू हैव द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दी ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत अगर हम कैपेसिटी बिल्डअप करते हैं या फिर अवेयरनेस पार्ट में उनको वाटर एक्सेस करने के लिए सिखाते हैं, मशीन को हैंडल करने के लिए सिखाते हैं, तो ओवर वाटर का प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे कर सके, किस प्लांट के लिए, किस क्रॉप के लिए कितने पानी की आवश्यकता है, रन ऑफ इंटेंसिटी को कैसे हम घटा सकते हैं, इस पर जो है सो भी थोड़ा सा एक दो चैप्टर या एक दो होना चाहिए।